और अगर ये मान भी लिया जाए इस्लाम का मतलब शांति है, तो शांति का मतलब ये नहीं होता कि आप ऋचि रिच बन जाए। ऋचि रिच आपने देखा है, जब वो सुबह उठता है तो उसका ब्रश करने के लिए एक मशीन लगा रहता है, वो उसका ब्रश कर देता है, उसका बाथरूम में ले जाता है, उसको उसका पलंग ही उसको बाथरूम में ले जाता है और वो उसको नहा भी देता है। तो इस्लाम का मतलब शांति का मतलब ये नहीं कि आप ऋचि रिच बन जाइएगा और आपको सब कंफर्ट मिल जाएगी, नहीं, ये मतलब नहीं होता। इस्लाम का मतलब शांति होता है अंदरूनी शांति। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भले ही आपको तकलीफ उठाना पड़े, क्योंकि तकलीफ तो उठाना पड़ेगा कभी कभी, इन क्योंकि कुरान का आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं चैप्टर नंबर 94 वर्स नंबर 5 से 6 में, इन नमाल उसरी उसरा फ इन नमाल उसरी उसरा, कि बेशक तकलीफ के साथ आसानी है, यकीनन दुश्वारी के साथ सहूलत है, कि आपको तकलीफ होगी लेकिन उसके साथ आसानी होगी। तो हो सकता है अभी अगर तकलीफ है मुस्लिम कंट्री में, तो हो सकता है उसके साथ हम लोग को आसानी भी हो। और जहाँ तक बात है अशांति में रहने की, मतलब कन्फ्लिक्ट में रहने की, तो जितने भी आपके ग्रेट हीरोज़ हैं, जितने भी मुस्लिम के नहीं नॉन मुस्लिम के जितने भी हीरोज़ हैं, सब अशांति में रहे। अब मैं काउंट कराता हूँ, गांधी जी अशांति में थे, शांति के लिए काम कर रहे थे, अर्जुन हीरो है लेकिन वो अशांति में थे, लड़ रहे थे, क्यों? क्योंकि जंग के मैदान में थे। नेल्सन मंडेला अशांति में थे, और जितने भी आप उनके, जीसस क्राइस्ट अशांति में थे। तो जितने भी शांति के काम करने वाले लोग रहते हैं वो हमेशा अशांति में रहते हैं। तो हो सकता है कि मुस्लिम लोग अशांति में, क्योंकि वो शांति के लिए काम कर रहे हैं।